नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, जाधव से मिले सबूतों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखेगा पाकिस्तान, डोजियर के साथ सौंपेंगे सबूत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की बड़ी मुश्किलें, बलूच नेता अकबर खान बुख्ती हत्याकांड में बलूचिस्तान की हाईकोर्ट ने मुशर्रफ को पेश होने का दिया आदेश, तय समय पर अगर मुशर्रफ पेश नहीं हुए तो जारी किया जाएगा रेड वारंट। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा भारत को दुश्मनी छोड़ चीन पाक कॉरिडोर में शामिल होकर लाभ उठाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ग्वादर बंदरगाह में बन रहे आर्थिक गलियारे का भारत कर रहा है विरोध। उत्तरी कोरिया के अलबाब इलाके में तुर्की सेना ने आईसिस के 40 आतंकियों को किया ढेर, तो वहीं संघर्ष में तुर्की के 4 सैनिकों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी, तुर्की के जनरल स्टाफ ने की पुष्टि। चीन के शियामेन शहर में मुर्गों की बिक्री पर लगी रोक, सरकार ने की H7H9 बर्ड फ्लू विषाणु से दूसरे मानव संक्रमण की पुष्टि, सबसे पहले 44 वर्षीय व्यक्ति को हुआ था संक्रमण। चीन की नाराजगी के बाद मंगोलिया ने उठाया कदम, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को दोबारा देश में आने की इजाजत पर लगाई रोक, मंगोलिया के विदेश मंत्री सेंदमुख ऑर्गिल ने की पुष्टि। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ